یمن اس ملٹری یونیفارم لگت یمن اس ہمارے ساتھ کیا ہو گیا کہ ان کو ملٹری یونیفارم لگا کے تھی ہاتھوں میں گن تھے ہمیں بولا کہ باہر سے سب کو کرجن کیا ہوا ہے اور آپ لوگ آوازیں نہیں کرنا ہمیں تلاشی کرنی ہے اوپر سے نیچے تک کیونکہ یہاں پہ انکاؤنٹر ہو گیا ہے پھر ہمیں لگا انکاؤنٹر ہو گیا ہے ان کو تلاشی کرنی ہے ये लोग पहले एक अंकल के घर गए थे उसको बोला था उठो इनको खिड़की को नॉक करो उसको भी बहुत डर आया था उसने जब खिड़की को नॉक किया उसको भूटा वह उसको जब खिड़की को नॉक किया उस जब हमें वो आए नॉक करने के लिए उन्होंने बोला दरवाज़ा खोलो हमें तलाशी करनी है अंकल गए और उन्होंने जब दरवाज़ा खोला उन्होंने इसको बोला कि मतलब हमें यहाँ तलाशी करनी है आप लोग मत डरो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है हमें कुछ नहीं करना है फिर जब वो अंदर आए उनको मिलिट्री की यूनिफॉर्म लगा की थी हाथ में गन थे हमें 2-3 मिनट लगे दरवाज़ा खोलने में इन्होंने अंकल पे जैसे वो हमला किया कि आपको इतना टाइम क्यों लगा आपको अंदर मत कोई है अंकल ने बोला नहीं आप लोग आओ हम सोए थे इसीलिए हमें पता नहीं है वो लोग अंदर आए हमारे एक फ्लोर में एक अंकल है और दूसरे फ्लोर में दूसरा अंकल है पहले वो एक अंकल के जो मतलब वहाँ पर सोए हुए थे उनको एक ही रूम में बांध रखा उनको बोला दूसरी वहाँ है ऊपर कोई उन्होंने बोला हाँ वो खुद आए उन्होंने मतलब सीधे दरवाज़ा खोला और मेरे अबू को ऐसे बोला उठो उठो हमें तलाशी करनी है डरने की ज़रूरत नहीं है हमें देखना है यहाँ मत कोई है यहाँ पे एनकाउंटर हो गया था उसके लिए हमें तलाशी करनी है अबू ने बोला चलो ठीक है मेरी बेटियाँ अंदर सोई हैं उनको मैं बुलाऊँगा वो अंदर आए हमें बुलाने के लिए वो मुझे ऐसे कराया खुशी खुशी उठो मैं जब उनको बोल रही हूँ अबू क्या पीछे से उनको मिलिट्री यूनिफॉर्म लगा के थी मैं डर गई उसने बोला डरने की ज़रूरत नहीं है बस सिर्फ हमें तलाशी करनी है उसके बाद जब हम बाहर आए हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन था उन्होंने बोला मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है आप लोग उन्होंने हम सबसे मोबाइल फ़ोन छीने हमें एक रूम में बांध रखा अब जिस रूम हमें ऊपर से लॉकर है उसमें बहुत गोल्ड ऑर्नामेंट्स थे क्योंकि हम 3 लड़कियाँ हैं हमने अपने लिए गोल्ड ऑर्नामेंट्स जमा किया था फिर उसके बाद हमें लॉकर की आवाज़ हुई हमने इनको बोला आप लोग क्या कर रहे हो हम चाबियाँ देंगे अगर हम खुद साथ आएंगे इन्होंने बोला नहीं हमें चाबी दे दो हम फिर हमारा जो अंकल है उनको सेफ में है उनको वो नहीं आया खोलना उसके बाद अंकल को बोला हमें चाबी दो अंकल ने बोला नहीं इसमें कुछ नहीं है इसमें हमारे गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं हम नहीं देंगे अंकल को इन्होंने मारा वो 3 आदमी आए उनको मिलिट्री की यूनिफॉर्म लगा के थी और गन्स हाथ में थे उन्होंने उसको बोला अगर आपने नहीं दिया दैट मीन्स इसमें गन है इसमें बॉम्ब है इसीलिए आप नहीं दे रहे हो उन्होंने अंकल को मारा भी उनको लगी भी थोड़ा फिर अंकल ने चाबियाँ दी उनको बोला हम आपके गोल्ड के साथ कुछ नहीं करेंगे हम बस ये देखेंगे इसमें मत गन है उसके बाद हमें जरूर अंदर लिया वहाँ पर दरवाज़ा बंद रखा और फिर हमें बोला आप लोग कहीं नहीं निकलना हम लोगों को वहाँ पर और भी अंकल थे उनकी भी ये तलाशी लेनी है बाहर सबको कर्टन किया है हमने आप लोग बाहर नहीं निकलना फिर उसके बाद वो लोग उसी के साथ भाग गए हमने जब खिड़कियों से देखा ये लोग क्यों नहीं अंकल के घर जा रहे हैं लेकिन हमें शक हो गया उसके बाद हम बाहर निकले और उसके बाद हम बाहर निकले उन्होंने सब कुछ लिया था हम अंदर आए वहाँ सब कुछ लिया था हमारा कैश था वहाँ गोल्ड ऑर्नामेंट्स है हम वहाँ 3 लड़कियाँ हैं मतलब लॉकर तोड़ा था सेफ से सब कुछ निकाला हाँ हम उसी वक्त 3 बजे पुलिस स्टेशन गए वहाँ पे उन्होंने बोला हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं हम लोग 10 बजे आएंगे उसके बाद वो 10 बजे आए और जो फिंगरप्रिंट्स वाले होते हैं उन्होंने बोला आपको खुद हाथ नहीं लगाना था हमने बोला हमें कहाँ पता है हाथ नहीं लगाना था अगर प्लीज़ कम से कम हमें इतना बोलती इसको हाथ मत लगाओ तो हम शायद इसको हाथ नहीं लगाते लेकिन उन्होंने कोई भी ये एक्शन नहीं लिया था उन्होंने बोला हम 10 बजे आएंगे अब बताने अब क्या अब हमारे हम इतना चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए जो हमें लिया है वो हमें वापस मिलना चाहिए शुक्रिया होकर सर पर अच्छा जी होकर सर पर जनाब अली होकर सर पर आइए जनाब हुमा आबाद मे ना मंसूर अहमद अहंगा अच्छा वो मिनट कम 2 बजे गनमैन आए यह पाई कम गनमैन आर्मी वर्दी जनाब लगित शे बचन गई लाख हवन मे बुलेट तथा बोल यह लगे पर दान डकन ठोस थोर अच्छा तलाशी कर मकानस अच्छा पत्न क्या पास कुन ब्रोट कुन
پتہ تمس ووکھ ٹھیک دلیل مس پہ تم تمس آمت بچس مل دلیل نت کیا دلیل دم آنگس مجھ کمرس مجھ ٹائس کلس ٹھوک امس آپ پلو جناب کھانا چیز لاگ ٹھو لاگ پلو آواز مکان کی نبر کن گیل مکانس یہ زن سمجھ نفس گن ہاتھ آس گیٹس پہ بیس زن لاگ پلو نش پی کیا دلیل اس کتا ظلم کر سو سوچا تھی آج گو اس لگان اس باقی بائن پی اس کیا تھوک نکی اس تھی خاکس پہ ڈرین سو سوچتا کی تمام بائن کا اپیل آج گو اکس گاس پگہ کان جس گاس زیادہ کیش تک اس چیز اس لگے مصیبت مجبور سوچتا کی جناب مجھے کھانا سوت۔